हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज़ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती हैं, आज हम ये पढ़ेंगे. ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब ये है कि ड्रग की इंफॉर्मेशन हमारे तक कैसे पहुंच रही है. जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स MBBS किए हुए, उनको काफ़ी साल हो चुके होते हैं, तो हमारे हर साल कोई ना कोई नई फॉर्मूलेशन बनती रहती है जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर्स को नई नई दवाओं के बारे में पता होना चाहिए जो दवाएं हमारे पेशेंट तक पहुंच सकें. ठीक है, इन सभी सारी चीज़ें हमारी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में आएंगी. ड्रग इंफॉर्मेशन द प्रोविज़न ऑफ रिटन एंड और ओरल और वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स एंड ड्रग थेरेपी इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमिटीज, पेशेंट्स एंड पब्लिक कम्युनिटी. ड्रग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हमारे तक कैसे पहुंचती है, या तो वो ड्रग, कोई भी दवा हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कोई भी नया सॉल्ट आया, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है, या तो हमें उसके बारे में डायरेक्ट कंपनी के थ्रू पता चलेगा, या फिर वेबसाइट के थ्रू, या किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या टेक्स्ट बुक के थ्रू, फार्माकोपिया के थ्रू. इसी तरीके से हमें नए सॉल्ट्स के बारे में पता चलेगा. जैसे आप सभी ने देखा होगा, डॉक्टर्स के पास MRs आते हैं. ठीक, उन MRs का काम क्या होता है? उन MRs का काम सिर्फ अपनी सेल पहुंचाना नहीं होता है कि हमारी सेल कितनी हो रही है, या उनका सेकेंडरी काम ये भी होता है कि उन्हें अपनी दवाई के बारे में जानकारी देना. ठीक, तो MRs हमारे क्या करते हैं, ड्रग के बारे में सारी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स तक पहुंचाते हैं, ताकि डॉक्टर्स को नॉलेज हो कि हाँ, इस ईयर या ये सॉल्ट्स, ये फॉर्मुलेशन हमारी बनी है, ये नई दवाइयों की खोज हुई है, ताकि वो पेशेंट्स को सही उस प्रिक्योर कर पाए. ठीक, तो जो हमारी ड्रग इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी रिटन में भी होती है और हमारी वर्बली भी होती है, कि जो हमारे MRs है वो रिटन में भी लेके आते हैं, उनका रिटन में भी उस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और वर्बली भी वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी ये फॉर्मुलेशन आई है, ये इसका यूज़ है, ये इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पीडियाट्रिक है, या ये एडल्ट्स के लिए है, या इसके डोज कैसे देने हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसको कितने MG में देनी है. सारी चीज़ें हमारे MRs डॉक्टर तक पहुँचाते हैं. ठीक, इसमें हमारे कौन कौन से आते, कमिटीज़ आती है, पेशेंट्स आते हैं, और पब्लिक कम्युनिटी आती है. ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है, प्रोवाइड्स इन डेप्थ अनबेस्ड सोर्स ऑफ क्रूशियल ड्रग इंफॉर्मेशन टू मीट नीड्स ऑफ द पार्टिशिंग फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाता है, ठीक, जिसके थ्रू हमारी जो भी ड्रग आती है, जो भी सॉल्ट्स हमारे नए बनते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड कराता है. किसको किसको प्रोवाइड कराता है, फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को, फार्मेसिस्ट को, और अदर हेल्थ केयर के जो भी प्रोफेशंस हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है. अब इसका मिशन क्या है, टू इंक्रीज द कम्युनिटी नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट ड्रग एंड ड्रग यूजेस. क्या करता है कि कम्युनिटी नॉलेज को, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है, और हमें अवेयर करता है ड्रग के बारे में कि हमारी कौन सी नई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हुई है. ठीक, इसकी हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट DIC means drug information center, first DIC at University of Kentucky in 1960. first हमारा DIC कहाँ से, हमारी DIC center बना, first हमारा बना University of Kentucky in 1960 में, first हमारा DIC बना. in US 80% of the hospitals have DIC.
यूएस में हमारे 80% हॉस्पिटल्स डीआईसी से अवेयर है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन सिनेरियो। WHO इंडिया कंट्री ऑफिस, सबसे पहले हमारा जो हमारे इंडिया का सिनेरियो ये था कि जो हमारी DIC थी, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, हमारा इंडिया में आया, प्लस KSPC कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक। उसके बाद हमारे 5 DIC सेंटर्स इंडिया में आए। कहाँ कहाँ पे आए? हरियाणा में सिरसा सिटी में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में, राजस्थान में जयपुर सिटी में, आसाम में डिब्रुगढ़ में, गोवा में पनाजली में आया, ठीक। ये हमारे इंडिया में DIC सेंटर्स आए 5 स्टेट्स में। आइडियल DIC सर्विस क्या होता है? आइडियल DIC सर्विस क्या? टू द नीड ऑफ इट्स यूजर्स, हमें सारी ड्रग्स के बारे में जो DIC सर्विस होती है वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन डिपेंडेबल, टाइमली एंड स्टैंडर्ड, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन टाइमली आती रहती है और सारे स्टैंडर्ड मेथड में। नेक्स्ट, एक्सपर्टाइज शुड बी रीडली एक्सेसिबल, SOPs फॉर कैटराइजिंग इंक्वायरीज एंड मेंटेनिंग सर्च पैटर्न, ऑप्टिमल यूजेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। सीधे सारी इंफॉर्मेशंस हमारी फार्मेसिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास पहुंचनी चाहिए कि हमारी ड्रग कौन कौन सी कब कब लॉन्च हुई, इसकी स्टाफिंग में क्या, कौन कौन सी स्टाफिंग। ऐसा नहीं है कि हम, अच्छा इसमें क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स में हमारे फार्मेसिस्ट जॉब कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात आती है, जहाँ पर ड्रग हो रही है वहाँ पर फार्मेसिस्ट का रोल होगा ही होगा। तो इसमें स्टाफिंग में सबसे पहले आता है हमारी फार्मेसी टीम आती है, सेकंड आती है हमारी मेडिकल टीम, थर्ड आती है हमारी सपोर्टिंग टीम। फार्मेसी टीम में आते हैं हमारे फार्मेसिस्ट, और नेक्स्ट आते हैं हमारे फार्मेसी टेक्नीशियंस एंड स्टूडेंट्स आते हैं, फार्मेसी के टेक्नीशियंस और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। सेकंड टीम हमारी बनती है मेडिकल टीम। मेडिकल टीम में हमारे टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं। थर्ड हमारी टीम बनती है सपोर्टिव टीम। सपोर्टिव टीम में हमारे पीपल ट्रेनिंग लाइब्रेरी साइंस विद कंप्यूटर नॉलेज, वो लोग होते हैं, वो पीपल्स होते हैं जिनको हमारे कंप्यूटर की नॉलेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DIC ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट हमारा आता है प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक। इसमें हमारे क्या होते हैं, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटेंस होती है, बेस्ट रिसर्च होती है, पेशेंट वैल्यूज़ होती है, सारी ड्रग्स जो भी बनती हैं उन सब की सारी क्या क्या उनके प्रमोशंस होते हैं। मीट द पेशेंट्स नीड्स वाइल प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर, हमारे पेशेंट्स को क्या क्या नीड है फार्मास्यूटिकल केयर्स की, ठीक। थर्ड आता है हमारा इम्प्रूव द पेशेंट एडहेरेंस, पेशेंट एडहेरेंस को हमें इम्प्रूव करना होता है। फोर्थ आता है हमारा टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अनबेस्ड इंफॉर्मेशन, हम कैसे कैसे प्रोवाइड कराते क्या क्या एक्यूरेट और अनबेस्ड इंफॉर्मेशन, हम सारी एक्यूरेट और बेस्ड इंफॉर्मेशन पेशेंट तक पहुँचाते। टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस, सारे डाटाबेस को ऑर्गेनाइज करके हम जो हमारी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होती है वो पूरा डाटा प्रोवाइड कराती है डॉक्टर्स तक और फार्मेसिस्ट तक। अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन DIC, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारा DIC अवेलेबल कराता है।
फर्स्ट हमारा आता है जनरल, सेकंड आता है जनरल उसके जो जो भी उसके नाम है, किस नाम से आ रही, क्या ब्रांड नेम है। सेकंड आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल, थर्ड आता है टॉक्सिसिटी, फोर्थ आता है फार्मुलेशन, फिफ्थ आता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड लास्ट आता है एडवर्स इफेक्ट की हमारी दवा के क्या क्या उसकी टॉक्सिसिटी है, कैसी फॉर्मुलेशन है, कैसा एडवर्स इफेक्ट है उसका, क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये सारी चीज़ें हमारी DIC अवेलेबल कराती है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आएगा कि आपको किस सोर्स से उस ड्रग के बारे में पता चल रहा है, किसके थ्रू पता चल रहा है, ये सारा हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सोर्स, सबसे पहले हमारा फर्स्ट सोर्स है प्राइमरी सोर्स, सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सोर्स, थर्ड है हमारा टर्शरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारी कौन सी नई ड्रग्स आई हैं, तो प्राइमरी सोर्स में पेशेंट्स कॉन्फ्रेंसिंग पेपर्स, केस रिपोर्ट, जर्नलिस्ट आर्टिकल्स, करस्पोंडेंसीज और थीसिस आती हैं। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स में हमारी कोई भी ड्रग आती है, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, उसका जो MRs होते हैं उस कंपनीज के, वो आके डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को, उनको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स में और क्या क्या आता है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स किसी एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू अगर पता चलता है, केस रिपोर्ट्स के थ्रू या किसी कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कुछ डॉक्टर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं जो कि हमें कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बताते हैं कि ये ड्रग आपकी न्यू ड्रग आई है या इस डिसीज़ के लिए आई है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स आते हैं आपके रिव्यूज़, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेस, ठीक, न्यूज़पेपर्स के थ्रू या किसी मैगजीन्स के थ्रू, ये आपका किसी वेबसाइट के थ्रू, ये आपका सेकेंडरी सोर्स है। थर्ड साथ ट्रेशरी सोर्स में आपका आता है टेक्स्ट बुक्स, किसी फार्माकोपिया के थ्रू या टेक्स्ट बुक्स के थ्रू ये सारी हम लोग को नॉलेज मिलती है। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स में क्या आते हैं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक जर्नलिस्ट, थीसिस बनती है, प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राइमरी सोर्स के थ्रू कैसे कैसे हम लोगों को नई ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारा DIC। सेकेंडरी सोर्स में डाटाबेस हो गया, ठीक, किसी भी डाटाबेस के थ्रू, नेट के थ्रू, लो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या किसी आर्टिकल्स के थ्रू अगर हमें पता चलता है तो वो हमारी सेकेंडरी सोर्स होती है, ठीक। टर्शरी सोर्स में हमारे क्या आते हैं, टेक्स्ट बुक्स ऑन ड्रग और डिसीज टॉपिक्स,